संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विद्या हमारे संवाददाता रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से जुड़ गई हैं। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। सबसे पहले विद्या का रुख करेंगे। विद्या, कितने बजे रिया से पूछताछ हो सकती है, कब वो निकल सकती हैं? देखिए, फिलहाल अभी सिर्फ यही कहा जा रहा है, अटकलें ही लगाई जा रही हैं कि रिया से पूछताछ होगी, क्योंकि दीपेश और बाकी जो दो लोग हैं, तीन चार लोग हैं जिनसे पूछताछ सीबीआई कर रही है लगातार पिछले दो दिनों से, वो लगभग पूरी हो गई है। और इसके बाद जब वो क्योंकि उनके पास पूरा होमवर्क जैसा बताया जा रहा है कि होमवर्क तो हो गया है, रिया से मेन जो पूछताछ करनी है वो अब उनको बस सामने होगी, फिर उसके बाद जो स्टेटमेंट रिया का होगा उसको लेकर वो बाकी लोगों से फिर पूछताछ करेंगे। तो ये सिलसिला अभी कुछ दिन और चलेगा। तो रिया से पूछताछ के लिए सीबीआई रेडी है ये बताया जा रहा है। कब जब रिया कब मुलाकात होगी, या सीबीआई यहाँ आएगी, या यहाँ से सीबीआई के जो गेस्ट हाउस है, जहाँ एयरफोर्स का जो गेस्ट हाउस है जहाँ पर सीबीआई रुकी हुई है, वहां पर पूछताछ होगी, इसकी थोड़ी देर में जानकारी मिलेगी और वहां पता चलेगा कि किस तरह से और कैसे पूछताछ। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अरविंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा चुका है लेकिन दोबारा ये रिक्रिएशन किया जाएगा, क्या एतराज था दरअसल फोरेंसिक टीम का जिसको लेकर उन्होंने आशंका जताई, उसके बाद दोबारा ये प्रोसेस होगा? जी देखिए, ऐतराज बिल्कुल नहीं था निहाल। दरअसल आपस का एक कोऑर्डिनेशन होता है, अगर किसी को कोई सवाल होता है तो सवाल पूछा जाता है, और क्राइम सीन को दो बार रिक्रिएट किया गया, लेकिन आज अब पूरा फोकस जो है वो सीबीआई का रिया पर है, क्योंकि बाकी जो क्राइम सीन पर लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ हो चुकी है। मुंबई पुलिस की तरह 56 लोगों से सीबीआई पूछताछ नहीं करेगी, उसका फोकस क्राइम सीन पर है, जिससे क्लियर करना ये हत्या थी या आत्महत्या। रिया से किस तरह के सवाल होंगे, हमारे साथ शम्स ताहिर खान है, रिया से क्या सवाल होंगे, और अगला नंबर तो रिया का ही बचता है। ज्यादातर उम्मीद यही है, चूंकि अभी लगातार जो बात हो रही है, हालांकि जगह और टाइम नहीं बता रहे हैं कि कितने बजे पूछताछ होगी, लेकिन ज्यादातर चांसेस, हालांकि 100% अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन सीबीआई आज रिया से पूछताछ कर सकती है, इसलिए कि इसके पहले जो सारी चीजें थी, जो तैयारी करनी थी क्वेश्चनायर की, वो सारे अहम गवाहों से सीबीआई ने पूछताछ कर ली, अब रिया से पूछताछ कर ली। एक जो अभी बता रहे थे ओझा की फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और सीबीआई की टीम में कुछ मतभेद है उसको लेकर, असल में वो मतभेद नहीं है, कुछ क्वेरी थी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की सीबीआई के साथ कि ये चीजें हमने जो रिक्रिएट किया स्टडी में कुछ चीजें और है जिन्हें हमें दोबारा करना चाहिए। आमतौर पर क्राइम सीन में ऐसा कई बार होता है, तो यहाँ पे चूंकि दोनों टीम एक साथ थी उस जगह पे सीन रिक्रिएट करने के लिए, सीबीआई भी और एक्सपर्ट भी फॉरेंसिक के, तो मतभेद वाली बात नहीं है, शिकायत की बात नहीं है, सिर्फ ये है कि कुछ चीजें छूट गई हैं, उन्हें दोबारा करना और रिया से पूछताछ आज, क्योंकि अब लगभग क्राइम सीन पर जो लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ हुई कई लेवल की आमने सामने बिठाकर। अब अगला नंबर नेहा रिया का है, और आज किसी भी वक्त जो सूत्र बता रहे हैं कि रिया से पूछताछ हो सकती है या फिर रिया को सम्मन भेजा जाएगा पूछताछ के लिए। अब ये देखना होगा कि डीआरडीओ ऑफिस बुलाते हैं या फिर उसके घर जाते हैं, क्योंकि लगातार जितने भी थे क्राइम सीन पर, चाहे नीरज की बात कर लीजिए, दीपेश की बात कर लीजिए, या फिर सिद्धार्थ पिठानी की बात कर लीजिए, सबकी बातचीत का आखिरी सिरा जाकर रिया पर टिकता था, और जिस तरह से सुशांत के परिवार वालों ने आरोप रिया पर लगाया, तो ऐसे में रिया से सवाल और जवाब सीबीआई का बनता, किस तरह के सवाल होंगे रिया से, आप कुछ बताएं। बेसिक इसमें चीजें जो है सीबीआई की, एक तो ये कि रिया और सुशांत के रिश्ते क्या, क्योंकि उस रिश्ते की जड़ में सारी कहानी है। इसके अलावा जो एलिगेशन है कि रिया की जो फैमिली है और सुशांत की फैमिली है, इन दोनों के बीच बनती नहीं है, उसकी वजह क्या, क्योंकि बहन के साथ लड़ाई की बात भी आ रही है। सुशांत की बीमारी सबसे बड़ी वजह है, जो कि फैमिली वाले हमेशा हैरान होते हैं कि सुशांत बिल्कुल ठीक था लेकिन रिया ने कहा कि बीमार है, इलाज कैसे करा रहे थे, क्या इलाज था, और 8 जून को जो झगड़ा हुआ जिसके बाद 14 जून को फिर मौत होती है, तो उस झगड़े की बुनियाद क्या थी, क्या वो झगड़ा इतना बड़ा हो गया जिसकी वजह से सुशांत को यह कदम उठाना पड़ा, अगर खुदकुशी है तो ये बेसिक वो चीजें हैं, दोनों के रिश्ते, रिश्तों में कड़वाहट, और उसके बाद ऐसी क्या चीज हुई जिसकी वजह से सुशांत की 8 जून के बाद घर से निकलना, महेश भट्ट को चैट करना, महेश भट्ट को मैसेज भेजना, तो फिर क्या अगला नंबर महेश भट्ट का होगा, क्या महेश भट्ट और रिया के बीच का जो चैट है उस पर भी सवाल जवाब होंगे? कई ऐसे बयान आए जिसमें कहा गया है कि रिया और महेश भट्ट ये दोनों बहुत देर तक बातें करते थे, इनके कॉल डिटेल्स के हिसाब से भी, इसको लेके सुशांत और रिया के कई बार झगड़े भी हुए हैं, और उसमें खासतौर पर महेश भट्ट और रिया की जो बातचीत होती थी उसको लेकर, तो ये सारी चीजें आप सीबीआई भी देखेगी, वो जो चैट है, क्योंकि डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों की बातचीत का, उसका घर छोड़ने का रिया, तो ये सारी चीजें सीबीआई, और मुझे लगता है कि सीबीआई को जरूरत पड़ी तो शायद महेश भट्ट से भी पूछताछ कर सकती है। देखिए, बिल्कुल पूछताछ कर सकती है, और 8 जून से 14 जून के बीच जो रिश्ता है 6 दिन का,
8 जून को रिया घर छोड़कर जाती है, 14 जून को सुशांत की मौत हो जाती है। तो बस इन 6 दिनों का जो पूरा ब्यौरा है वो तलाश रही है सीबीआई, वो छानबीन की रही है, और यही वजह है कि अब रिया से पूछताछ मुमकिन है।